ये लो धर्म पान, खाने के बाद पान खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ भैया, ये तो सही कहा। आज भी वही रोने की आवाज तुम्हें सुनाई दिया धर्म? हाँ भैया, 3 दिन से पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन अस्पताल में इतनी रात गए रोता है। मुझे तो लगता है जरूर कोई बेचैन आत्मा जाग गई है जिसका इस अस्पताल से कोई मतलब है। आत्मा? तुम देख सकते हो क्या? ना धर्म, सिर्फ वही देख सकता है जिनसे इन आत्माओं का कोई मतलब हो। पता नहीं किसको दिखाई देगी और कौन सा तूफान लाएगी। किसी पर बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है। फियर फाइल्स में देखिए उत्तर प्रदेश के बदरपुर में घटी एक सच्ची और अनोखी घटना। कैसे अस्पताल में भर्ती होते ही एक मासूम सी लड़की राधा के साथ अजीबोगरीब घटना घटने लगी। हम मरेंगे अगर आपने राधा को हॉस्पिटल से नहीं निकाला, हम सब मरे जाएंगे। कोमा में जा चुकी राधा पर लोगों को मारने के आरोप लग रहे थे। क्या है इसके पीछे की सच्चाई? कौन है इन सब का जिम्मेदार? जानने के लिए देखिए फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरें। सुना है तू नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, मुझसे डर गया या फिर ये रोते हुए भूत से? मुझे दूसरे हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई है, लेकिन तुम अपनी खैर ना पकड़ो भैया, भूतों के मामले मजाक नहीं करते। कहीं सच में तुम्हें ना भूत दिख जाए। वैसे भी तुम्हारे बारे में सबको सब कुछ पता है। पप्पू को कोई डरा नहीं सकता, और भूत से तो बिल्कुल भी नहीं। तू अपनी बता, अभी भी टाइम है तेरे पास, मेरे साथ काम करेगा, खूब पैसे कमाएगा, ऐश ही ऐश है। चल उठा इसको। समझ में आई बात कि नहीं? मैं इस्तीफा दे चुका हूँ, तुम्हारे ये सब काम मेरी समझ में नहीं आते। मैं दूसरी चादर लेके आता हूँ। जा, एक मिनट रुक। जा। हरीश चंद्र की छट्टी औलाद। किसने बताया? पिंकी ने। पिंकी, छोड़ दो, छोड़ दो। वो आई है आप सबके साथ खेलने। छोड़ो। और उसके साथ कोई और भी आया है, जो आपको अपने साथ ले जाएगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ। शुरू पप्पू भैया। राधा भैया,
करना चाहिए होगा। क्या हुआ? वो मुझे क्या मार देगा? वो मुझे मार देगा। कौन मार देगा? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कौन मारेगा तुम्हें? वो कोमा में है और उसकी आंखों की पुतली भी मूव नहीं कर रही, और तुम कह रहे हो कि वो जागी और उसने गाना गाया? इम्पॉसिबल। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। राधा अब भी जागी थी और उसने मुझे कहा कि भूत मुझे मार देंगे, और वो रोने की आवाजें भी इसकी वजह से आ रही है। 3 दिन हुए इसे अस्पताल आए और 3 दिन से वो रोने की भयानक आवाजें आ रही है। सर डॉक्टर साहब, रोने की आवाज तो मैंने भी सुनी है। मैंने भी देखा सर। सर आप इसे यहाँ से बाहर निकालिए वरना हम सब मारे जाएंगे। तमीज से बात करो पप्पू। क्यों बाहर जाएगी मेरी बेटी? जब से इस अस्पताल में आई है तब से इसकी हालत और बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर साहब मेरे पास पहले ही पैसे की बहुत कमी है। अब इस अस्पताल के अलावा मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। आप पप्पू की बात का बुरा मत मानिए। वहीं पे खड़े हैं सर। शांत पप्पू, कुछ भी नहीं है वहां पर। अपने ये पागलपन बंद करो। भूत तुम्हें दिखते हैं, हमें नहीं। तुमसे जरूर कोई मतलब है उनका। भूत उन्हीं को दिखते हैं जिनसे उनका कोई मतलब होता है। बहुत हो गई बकवास, शट अप। माला तुम इसे लेके मेरे कैबिन में जाओ अभी। आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे बच्ची को जल्द से जल्द ठीक करने की। आओ मेरे साथ। ये कहानी मेरी और मेरी बेटी राधा की है। मेरी पत्नी के गुजरने के बाद मेरी बेटी राधा ही मेरा सब कुछ थी। राधा का ये हाल मुझसे देखा नहीं जा रहा था। पप्पू के राधा पे इल्ज़ाम मुझे अंदर तक कचोट रहे थे। अगर आपकी बेटी होती तो शायद आप भी यही सोचते। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरी सोच समझ सब धरी की धरी रह गई। डरो मत, मैं तुमसे दोस्ती करने आई हूँ। कौन हो तुम? पिंकी, तुम इस हॉस्पिटल में एडमिट हो? हाँ। ये तुम्हारे कपड़ों में ये लाल लाल सा क्या लगा है? खून? कैसे? मेरा ऑपरेशन खराब हो गया। बहुत दर्द हुआ होगा ना तुम्हें ऑपरेशन में? बहुत दर्द हुआ। वो लोग अच्छे जगह फ्रेंड में नहीं है। अरे तुम रो मत, मैं हूं ना तुम्हारी फ्रेंड। मैं उनको सबक सिखाऊंगी,
कौन लोग हैं वो? तीन लोगों ने, उन्होंने मेरे पापा को भी बहुत दर्द दिया। कौन है वो बताओ मुझे। बताऊंगी एक एक करके, फिर उन सबसे कहना कि उनके साथ खेलने पिंकी आई है। जैसे पप्पू भैया को बताया, मतलब नंबर वन पर पप्पू भैया, तुम खुद क्यों नहीं बात करती उनसे? वो मेरी बात नहीं सुनते, तुम्हारी सुनेंगे। मेरे पापा भी सिर्फ मेरी ही बात सुनते हैं, कहते हैं मैं अच्छे से समझती हूँ। तुम मेरी हेल्प करोगी ना? ओ नहीं तो क्या, तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना। ये तुम्हारी डॉल है? पापा ने दी है। तुम खेलोगी इससे? ये क्या बकवास कर रहे थे तुम पेशेंट्स के परिवार वालों के सामने? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि नशा करके हॉस्पिटल में मत आया करो। तुम जानते हो ना उस बच्ची राधा का ऑपरेशन करना कितना जरूरी है। अरे क्या चेयर चेयर, देखो मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर कल तक तुमने ये अफवाहें फैलाना बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा हॉस्पिटल से। कर दो सर, अगर वो मुझे दिख रही है तो आप दोनों को भी जरूर दिखेगी। सर उन दोनों की मौत हमारे सामने हुई है, मुझे नहीं रहना यहाँ। अरे कौन दोनों, ये हॉस्पिटल है पप्पू और कई लोग यहाँ पे मरते रहते हैं। हम चाहकर भी कभी कभी कुछ लोगों को नहीं बचा सकते। जिसके किस्मत में मरना लिखा है वो तो मरेगा ही। सर तो अब हम मरेंगे अगर अगर आपने राधा को हॉस्पिटल से नहीं निकाला, हम सब मरे जाएंगे। ओ शट अप, पप्पू अपने काम पे ध्यान दो। माला तुम उस बच्ची की कंडीशन पे ध्यान देना और समझाओ कुछ इस बेवकूफ को अपनी बेवकूफियां बंद करे। अरे शॉर्ट सर्किट है, कोई भूत वो नहीं है वहां। सर ये वही कर रही है, मैं कह रहा हूँ ना वो वही है सर। ओ शट अप माला, इसे काम करने के लिए कोई एंग्जायटी कंट्रोल की इंजेक्शन दे देना, मैं जरा राउंड मार के आता हूँ हॉस्पिटल में। सर 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 लेकिन मेरी बात तो सुनिए सर। नन्ही परी सोने चली, हवा वो धीरे धीरे आना। मैं कह रहा हूं ना वो यही है, वो मैं नहीं छोड़ेगी। कौन यही है? पिंकी, वो हमें मार देगी। तुमने पप्पू को देखा? We'll be right back.
कौन है? कौन है? लड़की को तुम्हारे साथ खेलना है बाबू। पप्पू भैया बताओ, खेलो ना मेरे साथ। दरवाजा खोलो। लकड़ी की काठी, काठी पे कूड़ा। मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। से खेलोगे मेरे साथ? खोलो दरवाजा। मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। आयो, ये देखिए। सर्च करो। सबसे पहले बॉडी को किसने देखा? जी मैंने, मैं नाइट ड्यूटी करके जा रही थी और फिर ये सब कुछ देखा, तो फिर डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म किया। अरे उठिए उठिए, मुझे किसी ने धक्का मारा। उठिए उठिए। आपके पीछे तो कोई नहीं है। नहीं मैं सच कह रही हूँ, मुझे किसी ने धक्का मारा यहाँ पर। ये उन भूतों का काम है। राधा बिटिया ने जो बोला था वो सच हो गया। राधा कौन? जी मेरी बेटी है, ओमा में है वो। सब कहते हैं वो रात में जागती है किसी के रोने की आवाज के बाद, पर पप्पू ने कहा कि राधा भूत लेके आई है। लेकिन साहब मैंने नहीं देखा, आप डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए कि वो कोमा से कैसे जाग सकती है जबकि वो अभी भी कोमा में है। आप फिक्र मत कीजिए, हम जांच करेंगे। सर, सर्जिकल चाकू से मारा है। इसे लैब में भिजवाओ और सारे रजिस्टर चेक करो, एम्प्लॉयज और पेशेंट दोनों के रिकॉर्ड निकालो। डॉक्टर साहब आप अपने पूरे स्टाफ को इकट्ठा कीजिए, मुझे इंटरोगेट करना है। जी। मरेंगे अगर अगर आपने राधा को हॉस्पिटल से नहीं निकाला। एक बात तो तय है डॉक्टर साहब कि राधा पर तो शक बिल्कुल नहीं किया जा सकता। फिलहाल तो यही लग रहा है कि पप्पू कुछ गड़बड़ कर रहा था और उसकी वजह से उसकी मौत हुई है। कल उसकी धर्म से फाइट भी हुई थी, हो सकता है इसका कुछ कनेक्शन हो। फिलहाल आप अपना ध्यान रखिए और अगर कुछ अजीब लगता है तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए। ओके जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, वो और कोई नहीं है, पिंकी का भूत है, उसी ने मुझे धक्का मारा। वो ये बताना चाहती है कि वो वापस आ चुकी है। अरे ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, मरा हुआ आदमी कभी वापस नहीं आता। हेलो मिस्टर सिंघानिया। जी जी, आज रात को कंफर्म ऑपरेशन हो जाएगा, बाय। लेकिन अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, ये ऑपरेशन हमने करना ही है बस। तुम ऑपरेशन की तैयारी करो, तब तक मैं लेक्चर दे देता हूँ। मैं अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान हूँ बालाजी।
सब कह रहे हैं कि राधा में भूत बसा है। अब आप ही बताइए, कोई बाप अपनी बेटी के लिए यह सब सुन पाएगा? अब अगली बारी आपकी माला आंटी, मेरे साथ खेलने के लिए तैयार हो जाओ। ये पिंकी है। क्या बोल रही हैं आप? ये राधा है, मेरी बेटी राधा। आप देखिए तो सही, देखिए। मैं एक मिनट, मैं आपको पानी देता हूं पहले, ये लीजिए, आप पानी पीजिए आराम से, आराम से। वैसे ये पिंकी कौन है? वो हमारी पुरानी पेशेंट थी, बिल्कुल राधा की तरह थी, बहुत शरारती। वो मेरे को ना और भी एक दो पेशेंट देखते हैं, ठीक है मैं चलती हूँ। अरे लेकिन सुनिए तो बालाजी, पिंकी वापस आ गई है। पप्पू सही कह रहा था, मैंने खुद राधा के चेहरे में पिंकी का चेहरा आते हुए देखा है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। और वो जो रोने की आवाज थी ना, वो पिंकी के पिता बिरजू की थी। डॉक्टर साहब, हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली। उसने मुझे देख कर बोला है कि अगला नंबर मेरा है। डॉक्टर आप प्लीज ये ऑपरेशन कैंसिल कर दीजिए, मुझे पक्का यकीन है हम पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। व्हाट नॉनसेंस माला। अच्छा शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। पिंकी और बिरजू को हमने अपने हाथों से दफनाया था। अरे फिर वो वापस कैसे आ सकते हैं? मेरी बात मानो, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। ये ऑपरेशन हमारा आखिरी ऑपरेशन है, और इस ऑपरेशन के बाद हम लोग माला माल हो जाएंगे। देखो माला, हमने बेहतर जिंदगी का सपना देखा था ना, तो अब हम सिर्फ दो कदम दूर हैं अपने सपने से। और ये भूत प्रेत सब बेकार की बातें होते हैं, अरे कमजोर लोग डरते हैं ऐसे। तुम्हें इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर, लेकिन ये ऑपरेशन मेरा लास्ट ऑपरेशन है। इसके बाद मैं आपको अपना इस्तीफा दे दूंगी, और उसके बाद हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है। तो शाम को मिलते हैं, ठीक है? पता नहीं क्या हो गया इनको। अरे गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, तुम गाड़ी रोको, जल्दी गाड़ी रोको। हेलो हेलो इंस्पेक्टर। डॉक्टर साहब एक बुरी खबर है। क्या हुआ इंस्पेक्टर? फॉरेंसिक लैब से मर्डर वेपन गायब हो गया है। हे भगवान, कौन कर रहा है ये सब? सीसीटीवी में तो कोई सबूत मिला नहीं है, लेकिन वेपन की जांच हो चुकी थी, मगर उसके ऊपर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। डॉक्टर साहब कातिल जो कोई भी है बहुत शातिर आदमी है, और मुझे लगता है उसके निशाने पर कोई और भी है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हो रहा है ये सब? डॉक्टर साहब आपसे कुछ पूछताछ करनी है, मैं आधे घंटे में आपके हॉस्पिटल आ रहा हूँ, बी देयर। ओके इंस्पेक्टर। साहब मैंने तो नौकरी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि पप्पू मुझे पैसे देकर कुछ हॉस्पिटल से लाने ले जाने का काम करवाना चाहता था, और कह रहा था इसके मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। लेकिन साहब मैं ईमानदार आदमी हूँ, इसलिए मैंने दूसरी जगह काम ढूंढ लिया साहब। और वो आवाज़ है? साहब जब से वो लड़की राधा आई है तब से वो आवाज़ें आने लगी हैं साहब। सब फिर अगले दिन पता चला कि पप्पू मर गया साहब, उस रात उसने भूत भी देखे थे साहब। ठीक है तुम जाओ, जरूरत होगी तो दोबारा बुलाएंगे। जी सर। सर कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक भी पप्पू की बात सबसे ज्यादा माला से हुआ करती थी, कहीं ये डॉक्टर और नर्स ने मिलकर तो पप्पू का खून नहीं कर दिया? नहीं, जिस तरीके से सर्जिकल टूल का इस्तेमाल हुआ, एक डॉक्टर और नर्स का काम तो बिल्कुल नहीं। हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ है, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। ओके सर। साइकिल कौन है? जरा सुनो, ये
सुनो, कौन हो तुम? मेरी बात सुनो। अरे रुको तो, कौन है वहां? कौन हो तुम? सुनो, कौन हो तुम? बोलो ना, कौन हो? सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए कि ये यहाँ कैसे आई? सर, ये मुझे कैसे पता होगा कि ये यहाँ कैसे आई? डॉक्टर साहब, ये वही सर्जिकल टूल है जो लैब से गायब हुआ था और इसी से मर्डर हुआ। और फिलहाल मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये यहाँ कैसे आई। आप एक बार चेक कीजिए इसे। जी। डॉक्टर अंकल, अब तुम क्या हुआ? आर यू ओके डॉक्टर? इंस्पेक्टर, आई एम डिस्टर्ब। मैम, मेरी कैबिन में जाता हूँ। राधा अब भी कोमा में ही है, तुम इसे वार्ड में ले जाओ। हेलो। जी जी, ऑपरेशन हो जाएगा। सर, मुझे लगता है इस राधा में भूत है। सबसे पहले तो पप्पू की मौत हुई, उसके बाद माला, अब पता नहीं किसका नंबर है। शर्म नहीं आ रही ये कहते हुए? अगर ये तुम्हारी बच्ची होती तब भी तुम यही कहते। बताओ, कोई भूत वूत नहीं है? ये भूत नहीं है, ये मेरी बच्ची है, बस बीमार है थोड़ी। रिलैक्स रतन जी, रिलैक्स। तुम अपना काम करो और तुम फॉरेंसिक को बुलाओ। आप आइए मेरे साथ। अच्छा रतन जी, मुझे एक बात बताइए कि राधा का किस चीज के लिए ऑपरेशन होना था? इसके गॉल ब्लैडर में अल्सर है।
मामूली बुखार की दवा कराने यहाँ आए थे और मेरी बेटी को इतनी बड़ी परेशानी निकली। फिर ऑपरेशन के दौरान ये कोमा में चली गई और बाकी सब आपको पता है। कई बार तो लगता है जैसे राधा में सचमुच भूत है। माला नर्स भी इसे देख के डर गई थी और किसी पिंकी का नाम ले रही थी कि वो वापस आ गई है। पिंकी कौन? पिंकी इनकी कोई पुरानी पेशेंट होगी। पुराने रिकॉर्ड्स में तो इस नाम का कोई पेशेंट नहीं है। कहीं सच में भूत का चक्कर तो नहीं है? राजन, अमित बोल रहा हूं। हाँ मैं ठीक हूं। अच्छा तुम एक काम करो, सिटी हॉस्पिटल पहुंचो जल्दी। मुर्दागढ़ की छानबीन करो हमें और खुदाई भी। यहाँ पे मुझे ज्यादा वाइब्रेशंस मिल रही है। ये मुर्दागढ़ को सर्च करो, खुदाई वाले को बुलाओ और खुदाई करवाओ। और अच्छा राधा कहाँ है? आई। राधा, राधा, अरे कहाँ गई मेरी बच्ची? अभी तो यहीं थी। आप घबराइए मत, इसी हॉस्पिटल में होगी। हम ढूंढते हैं उसे, चलो। देखिए मैं आप दोनों को देख सकता हूं, मैं आप दोनों की मदद करने आया हूं। बताइए मुझे आप दोनों के साथ क्या हुआ था। मैं वादा करता हूं आप दोनों की मैं मदद करूंगा। पापा मुझे बहुत भूख लग रही है। आप तो मेरी प्यारी गुड़िया रानी हो ना, है ना? देखो क्या है ना, ऑपरेशन से पहले ना कुछ खाते नहीं है, ठीक है? जब तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा ना छोटा सा, इसके बाद मैं तुम्हें अपने हाथों से बिरयानी बना के खिलाऊंगा। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। हेलो पिंकी बेटा। अरे हाउ आर यू फीलिंग नाउ? डॉक्टर अंकल, माला दीदी और पप्पू भैया भी आ गए, है ना? हाय बोलो। हाय। उपकार है आपके, आप सभी के। पप्पू जी, आपने मुफ्त में इलाज के लिए सिफारिश करवाई, और माला मैडम आप कितना ख्याल रखती है पिंकी का, और डॉक्टर साहब आप तो इलाज के पैसे भी नहीं ले रहे हो। शुक्रिया आपका। अरे मुफ्त में कहाँ बिरजू भाई, बिरयानी खाएंगे ना तुम्हारे हाथों की बनी हुई। सुना है कि तुम बिरयानी बहुत ही लजीज बनाते हो। बिल्कुल आइए ना। अच्छा बिरजू, पिंकी के किडनी में एक छोटा सा सिस्ट है, 2 घंटे में ऑपरेशन हो जाएगा, फिर पिंकी बिल्कुल ठीक होके वापस आएगी। स्ट्रॉन्गर। पप्पू भैया, ऑपरेशन के बाद मेरे साथ खेलने का वादा मत तोड़ देना। अरे बिल्कुल, तुम कौन सा गाना गा दी? लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। हम घोड़ा बनेंगे, तुम सवारी कर लेना। और माला दीदी, आपको भी इस बार खेलना है मेरे साथ? हाँ बिल्कुल, और इस बार तुम तुम्हारी गुड़िया के साथ खेलेंगे। डॉक्टर साहब इसको होश आ रहा है।
बस कुछ ही देर की बात है। ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। डोंट बॉदर, बस किडनी निकाल ले। जल्दी किडनी निकालो तो मैं निकलूं यहां से। पल्स रेट डाउन हो गया है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? क्या करें? डॉक्टर साहब, बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए मुझे, बोलिए तो। डॉक्टर साहब, बताइए मुझे कुछ क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी को? पिंकी, पिंकी मर गई डॉक्टर। I don't care. क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं सर, कुछ भी नहीं पता। अमित, राधा का कुछ पता नहीं चला? राजन, मुझे पता है वो कहाँ है। मुझे माफ कर दो, मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, मुझे मुझे बचाओ इंस्पेक्टर साहब। बिरजू, बिरजू रुक जाओ, बिरजू रुक जाओ, शांत हो जाओ। किसको इसकी करने की सजा मिलेगी? मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमें पता चला है कि ये किडनी रैकेट चलाता है, ये बड़ा ही गुनहगार है। इन्होंने बेगुनाह पिंकी और उनके पिता और न जाने कितनों का कत्ल किया है। अरेस्ट करो, पकड़ो इसे। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। फॉलो मी, मैं नहीं करूंगा। लेके आओ इसे। आज के बाद मैं कभी कोई ऑपरेशन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। राधा, ये यही जगह है जहाँ पे किडनी निकाल के रखी जाती है। फाइल चेक करो। सॉरी, अमित, ये किडनी खरीदने वालों के नामों की लिस्ट है और ये उन मासूम लोगों की लिस्ट है जो इसका शिकार हुए। इसमें बिरजू और पिंकी का नाम भी। शर्म नहीं आई तुम्हें इतना घटिया काम करते हुए? मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब। ओ ये, ओ ये, ओ ये, ओ ये।
मुझे मार देंगे, मुझे बचाओ, और मार देंगे मुझे, मुझे मार देंगे। इसकी असली सजा है ये जेल में सड़ेगा, दुनिया में लोग इसे थू थू करेंगे। मुझे जब आप लोग अच्छी आत्मा हो आप ऐसे मत कीजिए, मत कीजिए। मुर्देघर की खुदाई में दो लाशें मिली हैं, एक आदमी की लाश है, एक बच्चे की लाश। उनके दाह संस्कार की विधि पूर्वक तैयारी करो ताकि उनकी आत्मा को मुक्ति और शांति मिले। अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए रतन जी, मैंने राधा के ट्रीटमेंट की बात दूसरे हॉस्पिटल में की है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रतन, तुम्हारी राधा होश में ना होने के बावजूद भी इतना बड़ा किडनी रैकेट पकड़वाने में उनकी मदद की जो अब इस दुनिया में नहीं है। पिंकी और बिरजू को इंसाफ दिलाया है, माना कि वो राधा को जरिया बना के अपनी बात इंसानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी राधा को नुकसान नहीं पहुंचाया, वो हमेशा राधा की रक्षा कर रहे थे और इसलिए उन्होंने राधा का ऑपरेशन भी होने नहीं दिया। ऑपरेशन होने नहीं दिया और बचाया भी? क्योंकि राधा को गाल ब्लैडर की कोई शिकायत नहीं थी। डॉक्टर महेश राधा की किडनी पिंकी की तरह ही ऊंचे दामों में बेचना चाहता था और इस काम में उसकी मदद कर रहे थे पप्पू और माला। मैं तो समझता था कि ये भूत सिर्फ डराने ही आते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी बच्ची की जान बचाई है। साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा कैसे करूं? लोग अक्सर आत्माओं को गलत समझते हैं, जैसे कि हर इंसान एक जैसे नहीं होते, वैसे ही हर आत्मा एक जैसे नहीं होते। कुछ आत्मा इंसानों से बेहतर होते हैं, जैसे कि बिरजू और पिंकी। बिरजू और पिंकी ने शायद मुझे और राधा को अपने जैसा देखा होगा, इसीलिए उन्होंने राधा को जरिया बनाकर किडनी रैकेट का खुलासा किया और उसकी जान बचाई। आज भी मैं उनको अपनी प्रार्थना में याद करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। राधा अब कोमा से बाहर है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं कि उन दिनों उसके साथ क्या हुआ था। राधा को भूतों से बहुत डर लगता है, लेकिन मैं एक दिन उसे ज़रूर बताऊंगा कि इन भूतों ने उसकी ही नहीं उसके जैसे अनगिनत लोगों की जान बचाई और यकीन हो गया कि इस लोक में या उस लोक में कहीं भी शरीर नष्ट होता है, प्यार और भावनाएं कभी ख़त्म नहीं होती।